मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। उनका काम हो गया। I got the tickets to Iron Maiden, baby. Come with me Friday, don't say maybe. बंद करो ये सब। Hey, क्या तुम लोग मजाक कर रही हो? Seriously, तुम्हारी आवाज़ से पूरा स्कूल हिल गया। अच्छा, तुम एक सेकंड में हिल जाओगी। लिली शांत हो जाओ, हमें इनके जितना नहीं गिरना। ओ देखो जरा, आज गर्ल डर गई है। भले ही टीना दिमाग खराब करे लेकिन फिर भी मेरी बहन है। तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ। सच में? बस करो, यहाँ से निकलो और हमें शांति से रिहर्स करने दो। तुम ही शांति के दुश्मन हो, हम तो यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं। हमें कोई परवाह नहीं है। नहीं रुको टीना, हम उनसे अपने तरीके से निपटेंगे। हाँ हाँ निकलो यहाँ से। इग्नोर करो इन्हें। 1 2 3 4 I've got to take you to Iron Maiden, baby. Come play Friday, don't... हाँ तो जवाब देने के लिए कौन तैयार है? मिस मिलानी, आपसे मिलके अच्छा लगा। केसी, टीना, क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया? मिस मेलनी, माफ कीजिए पर ये अर्जेंट है। लिली और किटी फिर अपने रिहर्सल में है। वो इतना शोर कर रहे हैं, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब? लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, हमें कुछ नहीं सुनाई। लेकिन वे जोर से चिल्ला रहे हैं। हाँ, क्लास साउंड प्रूफ है, क्या कुछ और है? हाँ, हमें आपके लिए भी वो कमरा चाहिए। और आखिर क्यों? लगता है एक और फोटोशूट। नहीं, हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और हमें उस जगह की जरूरत है। ठीक है, लड़कियों के जाने के बाद तुम वहाँ जा सकते हो। क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा? लेकिन बस अब जाओ वरना क्लास डिस्टर्ब करने के लिए तुम्हें हिरासत में भेजना होगा। तुम्हारा दिन अच्छा हो क्रिस। क्या किसी फ्लर्ट कर रही है तुम्हारे साथ? ऐसा तो होता ही रहता है। उन्हें देखो, बेवकूफ, कुछ ज्यादा ही जोश में है। ये बकवास है और अब उसका कोई कंसर्ट भी है। ए मेरी जान, क्या चल रहा है? हाय। लेकिन हम सच में रॉकस्टार नहीं है। तुम्हारे कॉन्सर्ट के बाद तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी और हर कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा। हाँ, हमें तो डर था कि तुम हमें ना भूल जाओ बस। वो देखो, हम पर हंस रहे हैं। वो मतलबी और बुरे हैं, हमें तो लोगों की परवाह रहती है। अच्छा तो थोड़े से मजे करना चाहोगे तुम लोग? हाँ हाँ। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैंने माँ से कहा था मैं सीधे स्कूल से घर आऊंगी। तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? हाँ ये सही है। चलो। अब तो किटी, हम दोनों ही बचे हैं। लगता है हमारे लिए ज्यादा खाना होगा। चलो अब चलते हैं। ओके। हद है, किटी ने तो सच में उस लड़के का जैकपॉट जीत लिया। ये यूनिवर्स में किसी ग्लिच की तरह है। क्रिस मेरे साथ होना चाहिए। अब ये मत कहना तुम मेरी बहन का बॉयफ्रेंड चुराना चाहती हो। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, मैं इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं हूँ। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हम ये सब नहीं करेंगे। ओ, चलो चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम हो पागल, मेरी दुश्मन से दोस्ती, वो पागल किटी। तुम हो जिसका दिमाग खराब है, मेरी उंगलियाँ कुचल ही दी थी तुमने। तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मेरे दुश्मनों से नफरत करनी चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं। किटी कब से तुम्हारी दुश्मन बन गई? वो तो तुम्हें परेशान भी नहीं करती, तुम ही हो जो हर समय उसे लड़ाई झगड़ा करती हो। लेकिन वो मुझे उकसाती है। कैसे? उस लड़के को डेट करके ना, जिसके पीछे तुम्हारा दिमाग लट्टू की तरह घूम रहा है। क्रिस सिर्फ मेरा होगा। फिर शुरू हो गई। तुम ना बहुत ही मतलबी लड़की हो, दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनती हो, सबसे झगड़ा करती हो। किटी और मुझे अकेला छोड़ दो, समझ गई? सुनो बेटा, जैसा मैं कहूंगी तुम वैसा ही करोगी। नहीं, चल अब निकल यहाँ से। हे, निकल यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? निकल ना, ये मेरा भी कमरा है, मैं माँ को बताऊंगी। माँ अपनी सहेली के घर गई है तो शाम तक ही वापस आएगी, समझी? तो तुम निकल यहाँ से, मुझे कॉन्सर्ट की तैयारी करनी है। बेवकूफ कहीं की, मैं ये नहीं होने दूंगी। हेलो टीना, हमें ऑल्ट के कॉन्सर्ट को बर्बाद करना है। वाओ, ये सब क्या है? एक सॉफ्ट गर्ल पार्टी? तुम लोग पार्टी दे रहे हो क्या? हाँ, ये हाई स्कूल की सबसे अच्छी पार्टी होगी। कॉकटेल और साथ में होगी
कौन सी म्यूजिक अच्छी नहीं होती है? हाँ क्यों, चुप क्यों खड़ी हो? तुम्हारा म्यूजिक। हर तरह की बकवास गाना और मेरी बहन को इसमें घसीटना। उसने अपना रास्ता खुद चुना है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ, बताओ? हम अपनी पार्टी प्रमोट कर रहे हैं और आप भी इनवाइटेड हैं। क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा? ये किटी और लिली के कॉन्सर्ट का दिन है। तो उन्हें दिन बदलना चाहिए। नहीं कैसी, ये ऐसे काम नहीं करता। लड़कियों ने पहले पार्टी रूम बुक किया, इसलिए तुम्हें अपनी पार्टी का दिन बदलना होगा। म्यूजिक कॉन्सर्ट कैंसिल करो, वैसे भी इसे कोई नहीं चाहता। नहीं ठीक है, हर कोई अपनी सीट पर बैठो। केसी, शांत रहो, हम उनसे बदला ले सकते हैं। और मैं ये आज ही करूंगी। तो लिली बेटा, तुम अभी कहाँ जा रही हो? बाहर। तो फिर प्रैक्टिस कौन करेगा? क्या आप हमारे स्कूल के कॉन्सर्ट को लेकर स्ट्रेस्ड हो? देखो लिली, मैं तुम्हारे म्यूजिक स्कूल में एडमिशन को लेकर स्ट्रेस में हूँ। तुम्हें अभी म्यूजिक में बहुत पढ़ाई करनी है। माँ चिल करो, मुझे सब पता है। सब जानती हो? ठीक है, आओ जरा मुझे थोड़ा रिहर्सल करके तो दिखाओ। छोड़ो भी माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। उन्हीं लूजर्स के साथ ना जो म्यूजिक के बजाय बकवास बजाते हैं। मुझे वो बकवास पसंद है। ठीक है, तो अब तुम मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करोगी जैसे आप मुझसे बात करती हो? केसी सही कह रही थी, किटी का तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ओ, तो केसी ने आपको मेरे खिलाफ किया है? क्या डायन है, मैं उसे अभी बता दूं। कहां जा रही हो? देखो, तुमने ऊटपटांग कपड़े पहनने शुरू किए। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हो गया। अब तुम यहाँ पर बैठोगी और म्यूजिक कॉलेज के लिए अपने एडमिशन की तैयारी करोगी। नहीं लिली, वापस आ जाओ। देखो मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अरे ये किटी कहाँ पर रह गई? हे क्रिस। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? ला फोन दे मेरा। नहीं, वैसे तुम किसे कॉल करने का सोच रहे हो? अबे उसे तुझे क्या हो रहा, फोन देना। नहीं, मैं इसे वापस दूंगी किसके बदले। अबे ये क्या कर रही है, मेरे पिछवाड़े हो किसका समझी? वो नहीं आएगी, तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है और किटी मेरी बहन के साथ चिल कर रही है, कोई परेशानी नहीं। अब आखिर ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सच में तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें कभी भी किस कर सकता हूँ? ओ कम ऑन, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन मैं हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, तुम एक जहरीली औरत हो। इतने रूड क्यों हो, तुम्हें भी मुझसे प्यार है? मैंने तो नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें नहीं चाहता। लेकिन क्रिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रिस इतना नाराज क्यों है? सब तुम्हारी बहन की वजह से। किटी ने क्या किया? क्या क्रिस ने तुम्हें धमकाया है? किटी? हाँ, उसी ने धमकाया होगा। किटी की गलती है, उसका बहुत बुरा असर है क्रिस पे। किटी क्रिस को मॉन्स्टर बना रही है, उसने मुझे रुला दिया। शांत हो जाओ केसी, सब ठीक होगा, किटी पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है। हाँ, हमें क्रिस को ऐसी गर्लफ्रेंड से बचाना होगा, वो उसे बर्बाद कर देगी, तुम समझ गई ना? हाँ। तुम मेरी मदद करोगी ना टीना? ये जरूरी है, वरना क्रिस एक कंप्लीट मॉन्स्टर बन जाएगा, तुम्हें मदद करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। टीना तुम सच में कमाल हो। हाँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं। सच में? तो फिर ये क्या है, लड़कों का स्प्रे? हाँ। और इसे यहाँ क्यों छिड़क रही हो? बदबू आ रही है, लेकिन अब तो नहीं। तुम साजिश रच रही हो, तुम्हें मिला कहाँ से? ये मेरा है। लड़कों का स्प्रे? तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? ये सब तुम्हें केसी ने दिया है ना? तुमने ऐसा क्यों सोचा? नहीं। क्रिस ने मुझे बताया कि आज केसी उसके चार ओर मंडरा रही थी, और अब तुम यहाँ पर कलोन छिड़क रही हो। प्लान क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। ऐसा क्या? मेरा टेडी बियर। एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारा टेडी अपाहिज हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। तो बताओ मुझे, तुम यहाँ ऐसा क्यों कर रही थी? ताकि क्रिस को तुमसे लड़कों के स्प्रे की स्मेल आए, तुम्हें शक करके छोड़ दे और केसी को मिलने जाए। क्या? सीरियसली? मेरा डैडी दो। ये लो मेरे छोटे दोस्त,
अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्या बकवास है ये। तो बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। हाँ, क्या क्या मतलब है? सही समझे, वही मतलब है जो कि तुम्हें लग रहा है। मैं किटी को पसंद नहीं करता हूँ, बकवास है बिल्कुल। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? मान लो कुछ ऐसा ही हुआ है, जब भी देखो उसके पास मेरे लिए तो बिल्कुल भी। हम दोनों वैसे भी ज्यादा टिक नहीं पाते, मगर तुम तो कमाल हो। सच में? फनी क्या है इसमें, फनी क्या है? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं सोचा तुम्हें पता भी चलता है कि नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। टीना ने तुम्हारा सारा राज उगल दिया। अरे पगली, वो तो सिर्फ मजाक किया था तेरे साथ। लूजर हाँ। मुझे जाने दो। क्या मूर्ख है, हमेशा तुम्हें छीनने की उम्मीद में। उसका सपना तो सपना रह जाएगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। Hey Kitty, मैंने माइक्रोफोन ठीक कर दिया है जैसा तुमने कहा था। शुक्रिया टायलर, तुम कमाल हो। अरे कोई बात नहीं, कॉन्सर्ट में कमाल कर देना। शुक्रिया, तुम वहाँ होगे ना? बिल्कुल, किसी चीज के लिए इसको मिस नहीं करूंगा। एक मिनट, क्या तुम उसे लाइन दे रही थी? क्या मतलब? देखो इस बार मुझे कोई गलती नहीं हो सकती, तुम पक्का उसे लाइन दे रही थी है ना? उसने मेरा माइक्रोफोन फ्री में ठीक किया, ये नॉर्मल बात है। चलो मत। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग। क्या हो गया स्वीटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो बेटा? कुछ भी नहीं, मैं एक बहुत बड़ी लूसर हूँ। अरे ऐसा मत कहो, तुम तो बहुत कमाल की हो। बताओ ना मुझे क्या बात हो गई है। वो किटी, किटी मेरा बहुत मजाक उड़ा रही है, और वो लिली को मेरी मदद करनी चाहिए, पर वो किटी के साथ है। लिली, इस लड़की ने तो हद पार कर दी है। मैं आपको उससे बात करनी होगी, मैं और नहीं झेल सकती। मैं उससे बात करूंगी स्वीटी, तुम चुप हो जाओ। बस 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 बस। मॉम, आप ये क्या कर रही हो? मेरा सामान क्यों पैक कर रही हो? ये तुम्हारा सामान नहीं, कबाड़ है। मैं तुम्हारे स्टाइल से थक चुकी हूँ, तुम बहुत बेकाबू होती जा रही हो लिली। ओ कम ऑन, शायद मैंने आपका अच्छा बच्चा बनना बंद करके अपनी बाउंड्रीज खुद बना ली। तो एक बात ध्यान से सुन लो कि तुम्हारी बाउंड्रीज सिर्फ इस कमरे के भीतर है, और ये मेरा घर है, यहाँ पर सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। ये कैसा मजाक है, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे वो करने का हक है जो मैं चाहती हूँ। केसी को सब कुछ अलाउड और मुझे नहीं? क्योंकि केसी एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करती है, वो प्रेजेंटेबल दिखती है, किसी कबाड़ी की तरह नहीं। अच्छा, तो मुझे राजकुमारियों की तरह कपड़े पहनने होंगे ताकि आप मुझसे प्यार करें है ना? नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। मेरे कपड़े, वो मेरे खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप क्या करने वाली हो? मैं तुम्हें उस किटी के साथ म्यूजिक कंसर्ट में परफॉर्म नहीं करने दूंगी। नहीं, और इस बार मैं सीरियस हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो म्यूजिक के बजाय मैं तुम्हें लॉ की पढ़ाई करने के लिए दूर किसी जगह पर भेज दूंगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, म्यूजिक स्कूल मेरा सपना है, कॉन्सर्ट के जरिए तो सबके सामने आने का मौका मिलेगा। किसके सामने? तुम्हारी दोस्त की तरह आउटकास्ट। देखो अगर तुम्हें सचमुच में म्यूजिशियन बनना है तो यहाँ पर बैठो, प्रैक्टिस करो और सीरियसली पढ़ाई करो। मैं आपसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं आपसे। हे, तुम पहले ही यहाँ पर हो, मुझे कॉन्सर्ट के लिए एक शानदार गाना मिला है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हे, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मॉम ने मना कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस कॉन्सर्ट के लिए हम सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैंने इसके लिए सॉफ्ट गर्ल से लड़ाई कर डाली, और अब तो टीचर भी हमारे साथ है। मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने धमकी दी है कि अगर मैंने परफॉर्म किया तो वो मुझे लॉ स्कूल में डाल देंगी, और फिर मैं कभी म्यूजिशियन नहीं बन पाऊंगी। तुम्हारी माँ की किसे परवाह है, तुम भाग जाओ, जो मन में आए करो वो तुम। ये मैं नहीं कर सकती। मुझे निराश कर रही हो तुम, माफ करना। तुम्हारी माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ भाग जाओ अपनी मम्मी के पास, चुप जाओ उनके पल्लू में और चली जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। हेलो, देखो किटी, उस बात में कोई शक नहीं था कि तुम उस लड़के को लाइन दे रही थी, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या सीरियसली, अब तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो? मगर तुम पहले से उदास क्यों? लिली ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, और तुम प्रैक्टिस में लगे हो। सुनो, हम दोनों फिर से डेटिंग शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कोच के साथ। तो अपने कोच के साथ ही डेट करो। हे, क्या हुआ, सब ठीक तो है?
लिली कॉन्सर्ट छोड़ के चली गई और अब मुझे जरूरत है तो मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई मुझे छोड़ के चला जा रहा है। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऑल इन वन पैकेज, माइक्रोफोन फिक्सिंग में एक्सपर्ट और एक अच्छा दोस्त। काश तुम सिंगर होते। ऐसा क्यों? लिली नहीं है मेरे साथ, इसलिए म्यूजिक कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम अकेली ही धमाल कर सकती हो, मेरा यकीन मानो, तुम कमाल कर दोगी। तुम्हें सच में लगता है? बिल्कुल। तुम सही कह रहे हो, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर सकती हूँ। शुक्रिया टाइलर। किटी। ये गमी बियर, मैं इनके लिए ऑब्सेस्ड हूँ। यूहू, हम जीत रहे हैं। क्या चल रहा है? मैंने सोच लिया कि किटी को क्रिस से कैसे अलग किया जाए। केसी, हमें नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय उसका कॉन्सर्ट खराब करते हैं। अरे हो गया, लिली की माँ उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। ये क्या, किटी ने किसी और को चूमा? अरे नहीं, मैंने फोटोशॉप किया है। ये देखने के बाद क्रिस उसे पक्का छोड़ देगा। ये कुछ गलत लगता है ना? किटी के लिए सॉरी फील कर रही हो? तुम्हें याद है ना उसने क्या किया था, टेडी को डराया था? हाँ याद है। उसे सजा मिलेगी, इसके वजह से वो तो गई। उसे क्या हुआ है? मैं पता लगाती हूँ। क्रिस, तुम उदास क्यों हो? कोच ने परेशान किया? बिल्कुल भी नहीं, किटी ना मेरे पीठ पीछे किसी और को चुम्मियां दे रही है। क्या? क्या तुमने फोटो देखी? क्या इसने तुम्हें भेज दी? नहीं, मुझे कभी उस लड़की को पटाना नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि वो किस तरह की लड़की है। टीना, भागो यहाँ से। क्या बकवास है ये क्रिस, मैं जानती थी वो किटी तुम्हें धोखा देगी। तुम्हें एक बेहतर लड़की चाहिए, एक सॉफ्ट गर्ल। हाँ समझ गया कि मुझे अब क्या करना है, मैं भी उसके साथ वही करूँगा जो कि उसने मेरे साथ किया था मेरे सामने। मुझे कोई लड़की चाहिए होगी, तुम साथ दोगी ना? मैं? हाँ मैं तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग डेट कर रहे हैं। सीरियसली क्रिस, तुमने कहा था कि तुम ट्रेनिंग सेशन में और तुम केसी के साथ हो। हाँ तो उसने बुरा क्या कर रहा हूँ, तुम भी तो किसी और के साथ थी। क्या कहा? इसने तुम्हें कैफे में टाइलर के साथ देखा। तो क्या वो बस मुझे सपोर्ट कर रहा था, समझे, एक दोस्त की तरह। अच्छा ऐसा है, लेकिन मैंने तो तुम्हें वहाँ पे किस करते हुए देखा था। तुम चीजों को कुछ ज्यादा इमेजिन कर रहे हो। चली जाओ किटी, क्रिस अब मेरे साथ है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये मजाक कर रही है ना? नहीं, ये केसी तुम्हारी तरह नहीं है, मुझसे सच्चा प्यार करती है। समझ रही हूँ, मेरी दुश्मन को डेट करके मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, बेवकूफ। बहाने बनाना छोड़ो किटी, सब तुम्हारे बारे में जानते ही है। ठीक है फिर, एंजॉय करो जब तक चलता है, जल्दी ही तुमसे थक जाएगा और तुम्हें भी छोड़ देगा। जाओ जाओ, अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट कैंसिल करो लूजर। अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट क्यों कैंसिल करने लगूंगी मैं? इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, कोई है ही नहीं तुम्हारे साथ। माँ ने लिली को अच्छा सबक सिखाया। अच्छा है, लेकिन म्यूजिक कॉन्सर्ट सोलो होगा, मैं अकेले करूंगी। अरे यार, ये किटी ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे उस क्रिस लूजर से अदला बदली कर रही है। उससे भूल जाओ, क्रिस के पास अब नई लड़की है, उससे बहुत बेहतर। वो तो बिल्कुल ही पागल है, आज घर पे लिली की फोटो पे डांट फेंकी। हाँ, लिली ने मुझे बताया कि वो बिना किसी वजह उस पे चिल्ला पड़ी। उस किटी को सबक सिखाना होगा, उसका म्यूजिक कॉन्सर्ट कैंसिल करना होगा और उसकी जगह अपनी सॉफ्ट पार्टी करनी होगी। बहुत बढ़िया। और ये हम कैसे करने वाले हैं? मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ। वाह, वो कमाल है। लेकिन उसके लिए हमें लिली की मदद चाहिए, क्योंकि वो टीचर नहीं मानने वाली हमसे। शायद लिली साथ देगी, किटी ने उसे भी चोट पहुंचाई। वाह, सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा क्यों? जरा बैठ जाओ, फिर हम बताते हैं तुमको। पता है किटी सोलो कॉन्सर्ट कर रही है। हाँ ठीक है, तो उससे मुझे क्या? हम म्यूजिक कॉन्सर्ट बर्बाद करने वाले हैं। क्या, लेकिन क्यों? उससे बदले के लिए,
मैं इन सबका हिस्सा नहीं बनने वाली। अरे नहीं स्वीट हार्ट, वो उसी लायक है तुम मानो बात। उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड क्रिस को धोखा दिया है। वो बहन को परेशान कर रही है और उसे तुमसे लड़ना नहीं बल्कि उसे एक दोस्त की तरह समझाना चाहिए था। लिली वो इसी लायक है। नहीं किटी मेरी दोस्त है, एक झगड़े से कुछ नहीं होता, मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। अरे यार अब कैसे करें हम ये सब, हम लिली के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमें किसी और प्लान के बारे में सोचना होगा। सोचती हूँ। ओह कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। काश किटी होती तो वो सब समझा देती, मुझे उसके साथ सब ठीक करना होगा। हेलो क्या हाल है? कुछ खास नहीं, सोचा हाल चाल जान लूं। सब अच्छा है, जबरदस्त। अपने सोलो कॉन्सर्ट के लिए तैयार हूँ मैं। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? हाँ लिली मैं हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। कम ऑन माफ कर दो ना। चलो ये सब भूल कर पहले की तरह एग्जाम के नोट समझने में मेरी मदद करो, हम अब भी दोस्त हैं। हम दोस्त थे। ऐसा मत कहो लिली, तुमने अपनी माँ की बात सुनकर मुझे छोड़ दिया, ऐसा धोखेबाज करते हैं दोस्त नहीं। किटी फोन रख दिया। एकदम बेवकूफ है वो। हेलो एडम, मैं किटी से बदला लेने के लिए तैयार हूँ। मिस मेलिनी आपने बुलाया? हाँ किटी बिल्कुल। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जल्द पता चल जाएगा। चलो थर्ड एम्पायर का स्कोर देखें। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ सब लोग, मैं इससे निपट लूंगी। किटी मुझे तुम्हारा म्यूजिक कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ेगा। क्या क्या मतलब आपका? आपके म्यूजिक कॉन्सर्ट के पीछे का असली कारण सामने आ गया है। और कौन सा रीजन है वो? मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मेरे पास एक मैप है। तुम पूरे स्कूल को घेरना चाहती थी और खुजली का पाउडर फैलाना चाहती थी ताकि सब सोचें कि ये नई महामारी है, क्लास कैंसिल कर दी जाए और स्कूल को क्वारंटाइन के लिए बंद कर दिया जाए। क्या कहा? ये तो पागलपन है, और आप इस पर विश्वास करती हो? हाँ तुम हमेशा रूल्स तोड़ती हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने आपको ये बताया? आप इनकी साइड पर हैं, ये मुझसे नफरत करते हैं। मुझे पता है, लेकिन ये उन्होंने नहीं बल्कि लिली ने बताया, इसलिए वो तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस से पीछे हट गई। वो क्लास को बंद करने का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। क्या लिली? और अब कॉन्सर्ट की बजाय इन पिंक सॉफ्टीज की पार्टी होगी। हाँ ये सभी के लिए बेस्ट है। जो भी हो। देखकर लिली तुमने मुझसे बदला लेने का सोचा, मेरे एक्स और सॉफ्ट गर्ल के साथ मिल गई। वाह बहुत अच्छा किया, शुक्रिया मेरे दोस्त। ऐसा कैसे कर सकती है वो टाइलर, कैसे? हम लोग इतने टाइम से दोस्त थे। लेकिन तुमने भी उसे चोट पहुंचाई। तुम किसकी साइड पर हो? हाँ मैं कॉमन सेंस की साइड हूँ। तुम हमेशा से ही इस कॉन्सर्ट के बारे में सपना देख रही थी, लिली और तुम एक साथ इसके लिए तैयारी कर रहे थे और वो बाहर हो गई। मैं समझ गया कि तुम क्यों नाराज हो। नाराज से ज्यादा। लेकिन उसकी गलती नहीं है, तुम्हें पता है लिली की मॉम उसे कानून की पढ़ाई करने के लिए कहती होगी। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त का सपना टूट जाए? नहीं। और वो ऐसा नहीं चाहती थी, उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। सही हो तुम, मैंने उससे सच में काफी चोट पहुँचाई, लेकिन उसने मुझे टीचर के सामने शर्मिंदा भी तो किया है। मुझे यकीन है लिली को पछतावा होगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ? उससे बात करो, उससे माफ़ी मांगो और वो समझ जाएगी कि तुम क्या सोचती हो। उम्मीद है। In which I'm dying were the best I've ever had. I think it's hard to tell you, I think it's hard to take. तुम कमाल कर रही हो बिल्कुल, तुम पक्का जरूर टॉप करोगी। हाँ आखिरकार म्यूजिक नोट समझ में आ गए, लेकिन तुम्हारी मदद से आसान हो जाता। माफ करना, हर चीज के लिए तुम्हें दोष नहीं देना चाहिए, मैं सेल्फिश बिहेव कर रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने भी गड़बड़ की, तुम्हें टीचर के सामने मुसीबत में डाल दिया,
तुम इस कॉन्सर्ट का कितना इंतजार कर रही थी और अब ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है। जाने दो, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट हमारी दोस्ती से बढ़कर नहीं है। किटी, मुझसे वादा करो कि फिर हम कभी नहीं लड़ेंगे। वादा करती हूँ। आज कितना अच्छा दिन है, आज तो सॉफ्ट गर्ल्स की पार्टी है। चुप रहोगी जरा, बिना कोशिश करिए भी मेरा दिमाग खा रही हो। बेचारी किटी परेशान है, पर मैं खुश हूँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ। दुनिया की सबसे बेकार पार्टी। पता है किटी सोलो कॉन्सर्ट कर रही है, टायलर इसे हालांकि क्या फायदा, आज कोई नहीं गाएगा। हाँ जरूर, गुड लक। अब तुम्हें तो जलन होगी ही, अब सॉफ्ट गर्ल्स की ही बात होगी, बाकियों को भुला देंगे। मुंह बंद करो अपना। नहीं, तुम इतने गुस्सा क्यों हो, चलो पार्टी करते हैं। देख लेना तुम, क्रिस और केटी कितने अच्छे लगते हैं जब साथ में हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी, गया तेरा टेडी। वो वापस दो, ये मेरा है, मैं माँ को बताऊंगी। भाड़ में जाओ। बेवकूफ, शांत रहो, हम उनसे बदला ले सकते हैं। ओ, मेरी नाक लगभग टूट ही गई थी। टायलर ऐसे डरा क्यों रहे हो? मेरा ये इरादा नहीं था। तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं सॉफ्ट गर्ल्स की पार्टी में नहीं आने वाली हूँ। हाँ तुम आओगी और तुम सच में एंजॉय करोगी। यकीन कैसे, मैं दुखी होकर बैठी रहूंगी जबकि मैं कॉन्सर्ट प्ले कर सकती थी और मेरे सारे दुश्मन वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे होंगे। क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती? ये क्या है? शोरूम की चाबी जहाँ टीचर ने तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट छुपाए हैं। शानदार पार्टी दी है, कैसी आई? हाँ, की सजावट मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया, मुझे पता है। अरे तो बहुत अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था, अगली बार बियर्स की देखभाल करेंगे, है ना? ओ, बिल्कुल, तुम खुश हो ना क्रिस? मैं वाला खुश क्यों नहीं होऊंगा। टायलर इसे यहाँ लाके क्या फायदा, आज कोई नहीं गाएगा। पता है मुझे पता है, बस सोचा कि शायद कोई स्पीच देना चाहता हो केसी या तुम। ये ठीक है, चलो फिर सबको यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहते हैं। हाँ तुम समझ जाओगी। ये जगह शानदार है, बस धुने बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, किटी की आवाज याद आ रही है। शांत रहो, कैसे सुन ली और निकाल देगी हमें। हे, तुम उदास क्यों बैठी हो, चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या है सब किटी की वजह से? लिली इस बारे में भूल जाओ, तुम अब मेरे साथ हो, तुम्हारा असली दोस्त यहाँ पर बैठा है, रिलैक्स करो यार। हाँ ठीक है। अचानक चेंज क्यों है? अरे तुम ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने मना किया था कि तुम किटी के साथ परफॉर्म नहीं करोगी। जानती हूँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? आपको ये किसी ने बताया क्या? तुम बीच में मत बोलो किटी, तुम्हारा परफॉर्मेंस पहले से ही ऑनलाइन धूम मचा रहा है। क्या अब आप मुझे लॉ की पढ़ाई करवाएंगी? क्योंकि मैं नहीं करने वाली, मैं भाग जाऊंगी, समझे आप? ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? अब मैं समझ गई हूँ कि सिर्फ म्यूजिक ही तुम्हारा पैशन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया है, परफॉर्मेंस के नीचे लिखे कमेंट्स लाजवाब है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुम्हें किटी के साथ कोलैब करने की परमिशन देती हूँ। सीरियसली? नो वे। तो क्या आप टेस्ट कर रही थी कि मैं अपने सपने के लिए आपके रूल तोड़ूंगी या नहीं? मिसेस क्रिस्टी, आप कमाल हैं। मैं हमेशा से जानती थी कि आप अच्छे दिल की हैं। थैंक यू सो मच मॉमी। लेकिन अपनी म्यूजिक थ्योरी को लेकर लापरवाही नहीं। बिल्कुल नहीं। आप चलो अपनी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करो, उसने गुस्से में मुझे कॉल किया था। ठीक है किटी, मैं तुम्हें कैफे में मिलूंगी। बिल्कुल, बाय बाय, मिलते हैं।
क्या चल रहा है तुम्हारा? परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ पता है मुझे। देखो मैं तुमसे बोलना चाहता था कि मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। वो सब तो बस तुम्हें जलाने के लिए किया। सब ठीक हो गया। अबे दिखता नहीं हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। डिस्टर्ब करने वाले यहाँ पर तुम हो क्रिस। जाओ जाकर अपनी लड़की को शांत करो। ओके। तुम इतना रूड क्यों हो? अबे तू मेरा फोन ला पहले, समझी मेरा फोन है ये। मजाक कर रहा था। ये तो बस। पता नहीं क्या कर रही थी। लिली तो अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर। तो फिर रिहर्सल कौन करेगा? अबे दिखता नहीं हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। डिस्टर्ब काय को किया? डिस्टर्ब करने वाले यहाँ पर तुम हो क्रिस। चलो जाओ यहाँ से, अपनी लड़की को शांत करो। मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी। हाय टीना। वो भी बिजी है। ये मजेदार था। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो देखो сатисфайд. Усміхнеться доля, звернуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. यूक्रेन की जय हो। वीरों की जय। उन्होंने बता दिया कि तुम ये क्यों कर रही हो। जानती हो मुझे सब पता है। तो बताओ भी रीजन क्या है? डायलॉग गलत हो गया। अब इसका आई क्या था? हाँ ठीक है ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, बस गाने हो गए। You can play if you say I'm always yours. You can touch. ये पागल हो गए हैं। You can play if you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can touch my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Ooh, ooh. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Ooh.